जो कि हमने डिज़ाइन की है, ये एक सैनिटाइजेशन मशीन है जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपके हाथों को भी टचलेस तरीके से सैनिटाइज करेगी। ये यूवी बेस्ड तकनीक से बनी है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर सारे अल्ट्रावायलेट रेस से वो डिसइंफेक्ट किए जाएंगे। उसके साथ साथ ये टचलेस सैनिटाइजेशन सिस्टम है जिसको आप मशीन को छुए बिना अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस और अल्ट्रासोनिक सेंसर से बनी हुई ये मशीन, पहले आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक डिस्प्ले, पास में कैमरा दिखाइए, यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा रखा है जो सारे के सारा इंस्ट्रक्शन बॉक्स है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने इमोनोक्रोमेटिक साउंड वेव्स के लिए भी चीज़ें लगा रखी हैं। ये जो यूनिट रहेगी हमारी, ये डिस्पेंसर यूनिट है। इसके अंदर जैसे ही कोई भी बंदा टचलेस तरीके से हाथ लेकर जाता है, एक इमोनोक्रोमेटिक साउंड होती है जनरेट और आप अपने हाथों को अल्ट्रासोनिक तकनीक से, जो सेंसर यहाँ पर हमने लगा रखा है उसकी मदद से हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये हमने यूवी बेस्ड एक चैम्बर बना रखा है यहाँ पर, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सैनिटाइज करेंगे। आइए क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ये सैनिटाइजेशन जो प्रक्रिया है पूरी अल्ट्रावायलेट रेस में वो स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच हम इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। और निकालने के साथ साथ आप यूवी बेस्ड सिस्टम्स को आप अपना ऑब्जेक्ट सैनिटाइज कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बेसिकली दो तरीके का सैनिटाइजेशन रहेगा, ऑब्जेक्ट सैनिटाइजेशन और आपके हैंड सैनिटाइजेशन। इसके अंदर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स है, इसको अडिनो बेस्ड सिस्टम से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ साथ यूवी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइमर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी खासियत यह है कि जब तक आप यहाँ अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रखते, आपका जो यूवी बेस्ड सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं होता। यानी कि हमने अंदर जो हमारा सैनिटाइजेशन चैम्बर है इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है अल्टीमेटली, और उसके बाद ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। धन्यवाद।